हेलो एंड वन वी आर विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ इक्वालिटी ठीक है एंड इस चैप्टर के जो मेन हाईलाइट्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन जो कि हम कवर करेंगे इस बार फिर एवोल्यूशन ऑफ़ द कंसेप्ट उसके अंदर जो मेनली हम बात करेंगे कि कैसे ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ उसके बाद द मेन थिंग जो इस चैप्टर में है वो है कि पाँच थिंकर्स क्या बोल सकते फिलासफर्स के हम व्यूज़ जानेंगे एंड इस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से उन सब के व्यूज़ को ना अच्छे से सेग्रीगेट करके दिया हुआ है जैसे एरिस्टोटल फिर हॉब्स देन रूईस्यू देन मार्क्स एंड देन टॉक्वेल ठीक है सो इनके व्यूज अलग अलग दिए हुए हैं और इनके व्यूज हमें इंडिपेंडेंटली पढ़ने होंगे इक्वालिटी पे वॉट दे सेन इक्वालिटी ना सो ये वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड थैंक यू सो मच गाइज यू गाइज आर सो गुड This is basically that I'm meeting a whole new world through this platform, and I see that there are so many good people that exist in this world. Shalini was asking me to take care of myself. Like, you guys think like a family. Like, <laughs> I cannot express this what it feels like. You too, guys, please take care of your health too. Okay? Abhi, everyone, take care of your health, take care of your family. And uh, yes, you guys are champions.

ऐसा कंसेप्ट क्यों लाया गया कि सबको बराबर करने की बात हो रही है और है ना एक सबसे कॉन्ट्रोवर्शल बात जो है जब भी इक्वालिटी की बात आती है तो वो ये है कि सबको बराबर जॉब प्रोवाइड करो इक्वालिटी का मतलब ये भी कह सकते हैं कि क्लास में सबको बराबर नंबर दो ठीक है और बड़े छोटे को सबको एक जैसा खाना दो एक जैसी डाइट दो मतलब सबको दो दो रोटी ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम मतलब इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है ना इसको भी बहुत ज़्यादा अलग अलग वे में इंटरप्रेट किया जा सकता है ये मोस्टली हर कंसेप्ट में होगा ठीक है इसीलिए तो कन्फ्यूजन होते हैं तो कौन सही है कौन गलत है इसलिए कोर्ट का रोल आता है इसलिए हमारे पास जुडिशरी है ताकि वो हर एक स्पेसिफिक केस को डिस्कस करके बता सके कि, कि किसके लिए जस्टिस ज़रूरी है किसके लिए इक्वालिटी ज़रूरी है कौन सही है कौन गलत है ठीक है तो ज़्यादा डिप डेप्थ में नहीं इसको मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही बट इट्स लाइक कि इक्वालिटी को हम क्यों पढ़ रहे हैं क्यों ज़रूरत पड़ी देखो इंडिया जैसी कंट्री है ठीक है जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है वी सूनिटी इन डाइवर्सिटी वी सिया इज़ ए डाइवर्स कल्चर आपने ये दोनों स्टेटमेंट सुने ही होंगे बिल्कुल तो इतने देश के अंदर जब डाइवर्सिटी है लोग आ, अलग अलग जात से होते हैं अलग अलग आपको पता है कास्ट सिस्टम आर लैक्स ऑफ कास्ट सब कास्ट भी होती है उसमें फिर गोत्र मतलब डिविजन्स बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा ठीक है रीजनल डिविजन्स तो है ही है बिल्कुल है ठीक है कोई चीज़ जो नॉर्थ में सही है वो साउथ में गलत है या जो साउथ में मान्यता है नॉर्थ में गलत है मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है लोगों की सोच में भी है ठीक है यू सी बॉम्बे डेली डिफरेंसेस वहाँ पर uh, जो uh, uh, सोच है लोगों की वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़्ड है बहुत ज़्यादा अलग है टू कंपेयर टू द रूरल साइड्स ठीक है जैसे आप देखोगे ना कि आई शुड एक्सप्लेन इट दिस वे और नॉट कि जो गाँव जैसे गाँव और शहर में डिफरेंस कर लो ठीक है देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पीपल एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि गाँव और शहर में भी लोगों की सोच में बहुत डिफरेंस होता है ठीक है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि गाँव वाले ऐसे या वो वाले ऐसे दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं एंड बेसिकली आई लाइक विलेज पीपल मोर इट्स माई जस्ट अ पॉइंट ऑफ ओपिनियन बाकी ऐसा कुछ नहीं है इट्स जस्ट जस्ट एन ओपिनियन प्लीज लेट मी फ्रीली एक्सप्रेस माई ओपिनियन अच्छा ठीक है जोक्स अ पार्ट सो वॉट ऑल ओवर आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी भी है रीजनल डाइवर्सिटी भी है लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं नॉर्थ में जो बोलेगा वो साउथ को समझ नहीं आएगा साउथ वाले क्या बोलेगा नॉर्थ को समझ नहीं आता उस कंट्री के अंदर इस ऐसे बड़े भयंकर प्रिंसिपल को यानी क्वालिटी जैसे प्रिंसिपल को मेंटेन करना इज़ अ टफ़ टास्क ठीक है तो इसके लिए इस कंसेप्ट को जब लाया गया तो इसको फुली प्रोटेक्टेड लाया गया जब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी का आपको पता चलेगा Uh, वैसे आई डोंट थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल साइट से तो इतना यहाँ पर बताया नहीं होगा बस इक्वालिटी को एक्सप्लेन किया है लेकिन अगर आप में से कोई एम uh, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या पढ़ी हो विच इज़ क्वाइट अ गुड बुक आई वुड से इट्स रियली गुड बुक टू बी रेड इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन पॉलिटी ठीक है लाइक आई रियली ला लाइक आई जस्ट लव दिस बुक इट्स रियली गुड बुक सो उसके अंदर जब मैंने इक्वालिटी देखी तो आई फाउंड कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बेसिकली एम लक्ष्मीकांत टॉक्स मोस्टली एवरीथिंग रिलेटेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वही उसमें होना चाहिए राइट right? तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये कंसेप्ट अच्छे से प्रोटेक्टेड है एंड हालांकि uh, किसी भी कंसेप्ट को कैसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिस इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं बट स्टिल डू एंड ऑल काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एवरी ठीक है अब बुक के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो यही था कि क्यों इक्वालिटी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड इसमें सबको एक पीस के साथ रखना सबको uh, एक साथ बाइंड करके रखने के लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है ठीक है छोटा सा अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ से आपको बताने की कोशिश करूँ इफ आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर पीजी में रहे हो या पीजी में रहते हो हॉस्टल लाइफ कभी देखी हो आ, या कभी किसी की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली हो तब भी आप देखोगे कि वहाँ पे भी ये जो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी होता है जैसे एक पीजी का एग्जांपल लेते हैं ठीक है स्टूडेंट्स का पीजी जी वहाँ पर भी इक्वालिटी मेनटेन करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है सबको सब कुछ बराबर में देना किसी को ज़्यादा हो गए तो वो कंप्लेन आ जाना ठीक है वहाँ जस्टिस मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है मतलब फेयरनेस को मेंटेन करना इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है सो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि अगर इक्वालिटी अब सोच के देखो जरा एक बार कि अगर एबसेंस ऑफ इक्वालिटी हो जाए ठीक है लैक ऑफ इक्वालिटी या कहीं पे भी एबसेंस ऑफ इक्वालिटी होता है तो क्या होता है मतलब खून खोलने लग जाता है इंसान का आई टेल यू एन प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल वेन आई वॉज इन माई कॉलेज जब फर्स्ट ईयर के फॉर्म्स फिल हो रहे थे सो आई वेंट टू फिल द फॉर्म्स ठीक है वो लाइन वहाँ पे थी लगी हुई थी एंड वी कुड सी कि वहाँ पर जो आगे मैम बैठे थे आपको पता है ये आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बट या प्राइवेट कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज में तो हम सबको पता है कि इक्वालिटी जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पर सिर्फ बहुत ज़्यादा हैवी डोनेशन के थ्रू होता है नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनमें क्या होता है कि लाइक uh, like, uh, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लाइन में नहीं खड़े हो रहे थे एंड देवर सो रिलेक्सड एंड सो चेयर वो बस वेट करते कि ऑफिस खुल जाए पीपल जबकि लोग लाइन में खड़े थे ऑफिस खुलने से पहले भी कि वो अच्छे से अपना काम सारे फॉर्म्स फिल करके फ्री हो जाए टाइम पे क्योंकि चार बजे बंद हो जाता ऑफिस लेकिन वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डायरेक्ट ऑफिस के अंदर जा रहे थे एंड देवर गेटिंग everything signed एंड stamped और अपना फॉर्म फिल करवा के आराम से वो दस मिनट में वहाँ से निकल रहे थे तो देट रियली मेड देंट वेरी अनॉयड एंड क्योंकि वहाँ पर मास सपोर्ट ज़्यादा था गर्ल्स रियली गॉट रिबेलियस एंड उन्होंने बोला ये क्या चीज़ हो रही है एंड वहाँ पर वन ऑफ द गर्ल इवन रिकॉर्डेड इट क्योंकि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो अगर आपको कहीं पे भी इनक्वालिटी दिख रही है ना तो पहले मत भड़को कुछ मत बोलो जस्ट रिकॉर्डेड क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करता है वहाँ पर सो द गर्ल रिकॉर्डेड एट एंड शी शोड इट टू द मैम कि आपने जो ये कराया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है सो so, इधर आप इनके फॉर्म्स कैंसिल करो और वी विल सर्कुलेटेड टू एवरी वन एंड वील गो टू द हाइस्ट अथॉरिटी वी कैन सो फिर उसके बाद द टीचर रिजेक्टेड देर फॉर्म्स एंड फिर उसके बाद सारा सिस्टम से काम होने लगा ठीक है अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसा होता नहीं है बट दिस एक्चुअली एक्चुअलीपन क्योंकि वहाँ पर सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे एंड वी टू वर देयर हमारे सीनियर थे तो जो सीनियर दीदी थी शी डिड दैट एंड दैट रियली टर्न आउट वेरी वेल सो आप इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग कि कहीं पर ऐसा कुछ हो तो यू कैन प्ले स्मार्ट ठीक है सो बेसिकली वॉट हैपन जब भी इनक्वालिटी हुई तो लोगों का खून खोलने लगे लाइक हाई हाउ हाउ ऐसे कैसे हो सकता है हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं यू आर वेटिंग फॉर द ऑफिस टू गेट ऑफिस टू गेट ओपन अप एंड uh, हम पागल है जो सब कब से पैरों पे खड़े हैं दे वर जस्ट लाइक सिटिंग एन चिलिंग अराउंड अपना फॉर्म साइन करवाए मूव आउट दिट इज सो रॉन्ग ठीक है सो दिस थिंग्स शुड बी देर इसलिए इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट होते हैं एंड इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है एबसेंस ऑफ इक्वालिटी इज इन टेंट टॉलरेट नहीं कर सकते आप ऑल राइट लेट्स मूव टू दिस लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का बिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन दिस वर्ल्ड इन न्यूमरेबल इन इक्वालिटी अबाउंड पीपल आर डिफरेंट एंड अनईक्वल इन मनी मैनी रिस्पेक्ट्स बिल्कुल लोग बहुत अलग हैं और अनईक्वल भी है ठीक है आप अपनी सोसाइटी में देख लो सम पीपल अर्न मोर सम पीपल लेस समेज तो डिफरेंसेज इकोनॉमिक डिफरेंसेज भी होते हैं साथ में साथ किसी के पास दो कार्स हैं किसी के पास एक कार्स है किसी के पास टू व्हीलर्स हैं सो so, बहुत सारी आई जस्ट टॉक्ट अबाउट द इकोनॉमिक अन एकवालिटी जबकि बहुत सी चीज़ों के थ्रू अन एकक्वालिटी मेजर की जाती है राइट right? दे बिलोंग टू डिफरेंट रेसेज दीज आर दो डिफरेंट थिंग्स रेसेस रिलीजंस सेक्सेज एंड सो ऑन ठीक है बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं देर फिजिकल जेनेटिक एंड मेंटल एडोमेंट्स आर ऑल्सो डिसेबलर सबके अलग होते हैं कोई बहुत ज्यादा हाइट में लंबे होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं ठीक है सबका मेंटल एडोमेंट्स सब कुछ एक साथ नहीं होता पीपल डिफर विथ रिगार्ड टू देर डिस डिस्पोजिशंस एंड एबिलिटीज एंड द वेज इन विच दे लीड एंड आर टॉट टू लीड देर लाइफ

येट एज ह्यूमन्स वी बिलीव एंड राइटली सो दैट वी आर एसेंशली इक्वल एंड पोजेस इक्वल वर्थ स्पेशली वेन इट कम्स टू रियलाइजिंग दिस आइडियल इन सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ आर सोसाइटी लेकिन ये कहता है कि माना कि हम सब लोग अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग कैटेगरीज में या चीज़ों में अनईक्वल होंगे लेकिन हम मानते हैं ये हमारा विश्वास है वे बिलीव और सही भी है दैट वी आर वी आर स्पेली वैन कम टू रिलाइजिंग दिस आइडियल इन सोशल इकनॉमिक एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वी बिलीव दैट वी आर इक्वल हम मानते हैं कि हमारे पास भी वो सभी अधिकार है और हम इन अधिकारों में बराबर के हिस्सेदार हैं वी इवोक द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी वेन वी वॉन्ट टू बी काउंटेड एज एन इक्वल टू बी ट्रीटेड एंड एस्पायरिंग और क्लेमिंग टू बी ट्रीटेड एज एन इक्वल टू बी इक्वली एंटाइटल टू सोशल गुड्स हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जितने भी सोशल गुड्स हैं उनमें हम हमेशा इक्वल ट्रीटेड किए जाएँ हम अपनी इक्वालिटी को क्लेम करते हैं वी एस्पायर और क्लेमिंग टू बी ट्रीटेड एज एन इक्वल टू बी इक्वली बीक्वली टू सोशल गुड्स बट वॉट डज इट मीन टू बी ट्रीटेड एज एन इक्वल अब ये अभी पूछें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या मतलब है वॉट डज इज एक्चुअली मीन टू बी ट्रीटेड एज एन इक्वल वट सेंस डू वी मेक वेन वी से दैट इस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेज एंड सर्टन इनक्वालिटीज वेदर एज ब्राह्मण और दल एज व्हाइट ब्लैक और व्हाइट मैन और वुमेन we as humans possess equal worth क्या मतलब है इसका कहने का जब हम मान रहे हैं कि इतने सारे differences हैं but we possess equal worth क्या मतलब है what are we actually asking out of it कि हम सब equal हैं बराबर हैं in what sense are we talking this we are clearly here not referring to anatomical similarities anatomical similarities मतलब biological similarities के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं हम सब अलग हैं अपने अपने forms में सेव द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन ठीक है मैन और वुमेन के अंदर जो डिफ्रेस है वो तो रहेंगे डिफरेंस मीन एनाटोमिकल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आप उनको तो नहीं कर सकते इन रैशनल एंड इनलॉजिकल टू से मैन एंड इक्वल को सेम बायोलॉजिकल फीचर शेयर करने चाहिए इट्स कम्प्लीटली इन लॉजिकल सेम एनाटोमिकल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए इट्स कंप्लीटली इनलॉजिकली बिल्कुल बेहतर की बात है एंड द कॉमन फैक्ट ऑफ अर सोशल एग्जिस्टेंस दैट वी एज ह्यूमन पर्जस टू विट द यूज ऑफ लैंग्वेज

कि हमें वो सेम अफेक्शन मिले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ठीक है देर शुड बी सेम अफेक्शन देर शुड बी से शुड बी सेम पेन एंड सफर ठीक है एंड देर इन मॉरल रेजोनेंस इन्होंने बोला है कि मॉरलिटी में देर शुड नॉट बी अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वो बात की है एज बेन विलियम्स हाईलाइट दीज आर मॉरल कैपेसिटीज दैट आर यूनिवर्सल टू ह्यूमैनिटी हवेवर देर आर अदर कैरेक्टर एज वेल दैट पीपल इज एंड दीज कनेक्ट टू अदर ह्यूमस इन इंपॉर्टेंट बेस अब देखो बर्नाड विलियम्स इन नाइनटीन सिक्सटी टू हाईलाइट दीज आर मॉरल कैपैसिटीज दैट आर यूनिवर्सल टू ह्यूमैनिटी यानी कि अगर हम कुछ ऐसा कॉमन में देखें ह्यूमैनिटी में तो वो होती है मॉरल कैपैसिटीज यानी हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ मॉरल एस्पेक्ट हमेशा होते हैं जो वो चाहते हैं कि उनके पास हमेशा रहे जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की अब ऐसा कौन इंसान होगा जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहता होगा एवरी ह्यूमन बॉन्स एड तो ऐसे कुछ कॉमन गोल्स को ना उठा के हमने इक्वालिटी को बनाया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप सब चाहते हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए ठीक है जैसे इलेक्शंस होते हैं सो दैट्स अ पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है सबके लिए ऐसा कोई है जो डिनाई करेगा कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए पॉलिटिकल इक्वालिटी मुझे तो नहीं मतलब हालांकि देर आर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शन एंड ऑल बट एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन एज अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इलेक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एवरी वोट काउंट्स ठीक है तो उस हिसाब से इलेक्शन राइट सबको चाहिए एक अगर एक बार बोल दे कि डिक्टेटरशिप होगी कोई वोट इलेक्शन नहीं होंगे इट वुड मेक अ ग्रेट ग्रेट इम्पैक्ट इन एवरी सिटीजन सो दैट्स वाई इलेक्शन पॉलिटिकल इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट टू एवरी वन सो ऐसे कुछ मॉरल एस्पेक्ट्स और मॉरल कैपेसिटीज बोल सकते हो को लेकर आ, कहा गया है कि ये यूनिवर्सल है ह्यूमैनिटी में सबको चाहिए बर्नाड विलियम्स ने कहा ठीक है हाव एवर देर आर अदर कैरेक्टिक्स एज वेल दैट बी पजेस एंड दिस कनेक्ट टू अदर ह्यूमन्स इन इम्पॉर्टेंट वेज ठीक है लेकिन इनके अलावा बर्नड कहते हैं कि आ, और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो हम ह्यूमन्स को कनेक्ट करते हैं अब कनेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है देखो इस बारे में आगे यही बताया कि जब हम सबको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं तो वी नीड सम कॉमन डिजायर्स वी नीड सम कॉमन गोल्स जिसके अंडर हम सबको एक साथ ला सकें और इक्वालिटी प्रोवाइड कर सकें ठीक है ना सो वन ऑफ दीज वुड बी डिजायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट

this makes certain causes worthy of pursuit and helps realize the significance of some of our struggles against unequal relationships and social order along with other political values along with other political values such as justice or liberty equality offers us a moral framework now this is what uh, they are showing the importance of equality Ki ha, justice liberty are political values and equality offers us अ मॉरल फ्रेमवर्क दैट वी ड्रॉ अपॉन टू मेक पॉलिटिकल जजमेंट्स ठीक है पॉलिटिकल जजमेंट्स हम इसके थ्रू बनाते हैं देखना हाउ एंड एक्सप्लेन प्रिस्क्राइब और क्रिटिसाइज सर्टन पॉलिटिकल व्यूज एंड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन सी वी नीड इक्वालिटी कि हम कि किसी भी पॉलिटिकल जजमेंट में बात करें या कोई कोई चीज़ एक्सप्लेन करें प्रिस्क्राइब करें या क्रिटिसाइज करें वी नीड इक्वालिटी क्यों अगर आपको चॉइस ही नहीं देगी है टू वोट एंड यू आर क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट कलर यू आर किसी भी रीजन से अगर आउट कर दिया जाए राइट टू वोट से ठीक है सो so, आपका उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई व्यू हो ना हो आप उसे फेवर करो क्रिटिसाइज़ करो नहीं करो उससे कोई डिफरेंस ही नहीं बनता सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए टू वोट टू फॉर्म योर गवर्नमेंट ठीक है तभी आप उसको उस कुछ उस पर कुछ जजमेंट्स दोगे क्रिटिसाइज़ करोगे तभी आप उनको एक्चुअल में फॉलो करोगे सो so दैट आप उसको फेवर uh, या क्रिटिसाइज कर सको द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी लाइज at the heart of normative political theory, it's a part of it. in a very general sense, equality is a relationship between two or more persons. now, see, ki jo they are saying that it's a relationship. it's a relationship between two or more persons or groups regarding some aspects of their lives. we have said it. ki common aspects of the example, self-respect, the idea of equality is not, however, a simple one.

आप जब इक्वालिटी की बात करते हो तो आप उनको किस बेसिस पे एक साथ लाओगे डिटरमाइन द गोल ऑफ द रिलेशनशिप एंड गिव प्राइमसी टू वन एस्पेक्ट ऑफ इट ओवर अनदर बाय अटैचिंग प्री एमनेट वैल्यूज टू द सेम देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग सो इन अदर वर्ड्स द सजेशन हियर इज दैट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी नाउ वी हैव अप एवरीथिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी कैन यील्ड वेरियस कंसेप्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ वी अनपैक द बिल्डिंग ब्लॉक्स रिलेशनशिप पर्सन रेलिवेंट एंड पर्पस एंड प्रपोज एन अ प्रोपरीट रिलेशनशिप बिटवीन दैम लोगों के बीच में एक लॉक चेन डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्वालिटी इज़ ऑल वर्ट दे वॉन्ट से ठीक है वरना कोई बोलेगा कि हमें तो चाहिए नहीं इक्वालिटी वी डोंट एग्री विद दिस कंसेप्ट वी हैव एवरी थिंग सपोज़ कर लो कोई कह दे सोसाइटी के अंदर कुछ रिच क्लास पीपल हैं तो देने नहीं चाहिए इक्वालिटी वी डोंट वॉन्टेड ठीक है तुम्हें तो जो करना वो कर लो लेकिन जब उन्हें बात आएगी उन्हें जब समझाया जाएगा कि, कि आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए डोंट यू वॉन्ट अ सिक्योरिटी फ्राम ए नेशन साइड कल अगर इन्वेड हो जाए कंट्री तो फिर आप क्या करोगे तो उनको वो सिक्योरिटी फियर के थ्रू हाँ देल भी लाइक हाँ वी मस्ट फॉलो इक्वालिटी इट इज गुड फॉर सोसाइटी एंड सो एंड सो इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल ठीक है बट द ऑल ओवर पॉइंट इज ऑल वॉट वी साड़ी इन दिस इंट्रोडक्शन पैरा इसकी इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ठीक है एंड सबसे बड़ा जो इन इक्वालिटी या इक्वालिटी पर बात होती है दैट इज ऑन जेंडर ठीक है मेल फीमेल मैन वीमैन डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वालिटी एंड सो एंड सो ठीक है तो इस पर अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप सोच लो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट है कि यू नो यू रिमेंबर दैट केस और वो दैट लखनऊ गर्ल वो कैब ड्राइव वाला कैब ड्राइवर वाला केस ना देयर वट हैपन जब इक्वालिटी तब बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था इफ़ यू नो इट कि इक्वालिटी क्या इक्वालिटी है लाइक विमेन समटाइम यूज़ देयर विक्टिम कार्ड्स सी मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रही ठीक है आप ही मत समझो बट इट इज़ जस्ट लाइक द गर्ल मिस यूज अब हमें नहीं पता एक्चुअल सीन साइड पे क्या हुआ वी डोंट नो सो वी के नॉट बी जजमेंटल लेकिन शी केप्ट ऑन स्लैपिंग दैट गाई ठीक है एंड दैट गायड इन स्लैप बैक बिकॉज द गाय साइड की अगर उसने हाथ उठा दिया होता तो सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं एंड विच इज़ समवेयर सो काइंड ऑफ थ्रो ऑल्सो ठीक है लड़की थप्पड़ मार दे तो उसको कोई नहीं इतना नहीं कहता बट लड़का मार दे तो वो गलत हो जाता है सो so अब यहाँ इक्वालिटी वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगा अगर हम बोले कि इक्वालिटी वाला कंसेप्ट है तो फिर वो बात आ जाती है कि एक आंख के बदले आँख विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन्स हैं तो हमें सबको एक इंटरलिंक करना पड़ता है कि सबको एक बोलना पड़ता है कि आप सबको इक्वालिटी ज़रूरी है आप सबके लिए ज़रूरी है बिकॉज कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स है हमारे लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो एक एक्जाम्पल इन्होंने दिया आई थिंक उससे आप सब समझ सकते हो कि डिज़ायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट किस नहीं है एवरीबडी हैज़ एट सो ऐसे हमें एक लॉक चेंट डेवलप करके सबको कनेक्ट करके इक्वालिटी के कंसेप्ट में बिठाना पड़ता है ठीक है इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कह सकते कि क्लास में सबको बराबर मार्क्स दो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कह सकते कि हर प्रोडक्ट की प्राइस सेम कर दो तो आप सोचो प्रोडक्ट्स की प्राइस भी स्टेट वाइज डिफरेंट है ठीक है कंट्री वाइज तो बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंसेज है उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते तो लाइक इक्वालिटी वॉट डू यू मीन बाई इक्वालिटी तो फिर एक छोटा सा इन्होंने इसको सॉल्व आउट करके एग्जाम्पल दिया कि हमें कोई एनाटॉमिकल जब यहाँ इन्होंने सिर्फ जेंडर डिफरेंसेस पे ही बोला है कि कोई एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़ नहीं चाहिए वो इक्वालिटी नहीं चाहिए हालांकि यस दे एग्री कि जेंडर डिफरेंसेस हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं बट दे वॉन्ट फंडामेंटल इक्वालिटी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में उन्हें इक्वालिटी चाहिए ठीक है दैट वॉज ऑल अबाउट बिकॉज जस्ट इन इंट्रोडक्शन पारा जस्ट टू इंट्रोड्यूज यू कि क्या क्या इसमें कॉम्प्लीकेशन है कितना तो कॉम्प्लीकेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये एंड क्यों इक्वालिटी चाहिए बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी और राइट दिस वॉज ऑल अबाउट दिस अब गई इस नेक्स्ट जो है न लेक्चर uh, उसमें एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट की बात होगी विच इज लियली लॉन्ग वन तो इसमें हमें एरिस्टोटल हॉब्स सब की बात करनी है सिलेक्ट सी हाउ कैन आई रैपिट अप एंड अगर इस लेक्चर के अंदर बीच में आई हैड टू पॉज एट सिविल टाइम्स सो इफ यू फाइंड एनी डिस्टर्बेंस विद अ नॉइज और एनी थिंग प्लीज़ प्लीज़ एडजस्ट विद दैट आई के नॉट डू आई डिड द बेस्ट ओके बिकॉज देर वॉज अ डिमांड कि जल्दी जल्दी इक्वालिटी पे चाहिए आई अंडरस्टैंड आई आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर नीड्स बिकॉज आपके एग्जाम्स हैं um, आई थिंक मार्च में हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मार्च में हैं शायद आपके एग्जाम्स So do let me know, whenever hai. And this was all about. Thank you so much for all your comments, love, share. Please share this channel. The only thing is it's not being shared uh, with people. If you really find this lecture is useful, please at least share it with one people or two or ten. And that's your choice, or hundred. Okay, that's your choice. Leaving up to you. But this was about. This was all about. Thank you so much. Take care of yourself, everyone. And see you in the next lecture. Take care. Bye bye.